अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दावत इफ्तार में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, खैरवाफियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, आप इबादत भी कर रहे होंगे और हमारी जो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं उन रेसिपीज़ को भी आप घर में ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे और अपने दस्तरखान को भी खूबसूरत बना रहे होंगे। तो अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इससे पहले हमें शुक्रिया अदा करना होगा अपने स्पॉन्सर्स का जिनमें कश्मीर कुकिंग ऑयल है, सबरोसो है, मोइस गुड़ है और इसके साथ ही कोथम चौहटा, उनका भी बहुत शुक्रिया जिनकी बदौलत ये हमने किचन आपके लिए सजाया और इस किचन में हम मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए बना रहे हैं और यकीनन आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। और अब हम दावा देंगे अपनी शेफ नायाब तारिक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नायाब? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, और बताएं कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं, आपके कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं। और क्या रूटीन रहती है आपकी? बस अफतारी, सहरी, उसके साथ साथ आपकी जॉब, सब ये सब, और साथ शूट भी। जॉब करती हैं आप? जॉब बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, और रोज़े के साथ साथ आपको और जॉब भी ऐसी हो कि आपने खाने ही बनाने हैं तो, और फूड बनाना है तो इसलिए जाहिर है फिर आपको बहुत कंट्रोल। बिल्कुल, आप सर क्लासेस भी देती हैं, सिखाती भी हैं आप, तो अब कैसा है आपका ये एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है आपका, ठीक है। अब आगाज़ करते हैं हम, आज बताएं कौन सी रेसिपी है जो आपने हमारे साथ शेयर करनी है? आज हम बहुत ही मज़े का थोड़ा फ्यूजन करने वाले हैं। अच्छा, पकौड़े तो सभी घर में बनाते हैं, ठीक है, बेसन के पकौड़े, आलू के पकौड़े, कितने होते हैं वर्जन। अच्छा, हम जो बनाने जा रहे हैं आज, हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। ठीक है, तो अब ब्रेड पकौड़ा आपको ज़रा आइडिया हो रहा है कि हम क्या, मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड तो सुना है, ब्रेड पकौड़ा ये है क्या? क्या तो यही हम अब बताती हूँ मैं आपको, हम ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाएंगे जी। अच्छा, सबसे पहले हमने बनाना है आलूओं का मिक्सचर, ठीक है, हमने जो ब्रेड के अंदर लगाएंगे हम, हमने करना क्या है, हमने ब्रेड के अंदर फिलिंग करनी है, चटनी लगानी है, उसके बाद उसको हम सील करेंगे, फिर ब्रेड जो आपका बैटर है उसके अंदर उसको डिप करके डीप फ्राई करें। डीप फ्राई क्या? आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस के साथ। तो मेरे पास है मैश पोटैटोस, मैंने आलूओं को पील ऑफ करके इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था और इनको मैंने मैश कर लिया था। सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। और याद रहे कि अगर आपने जब भी आपने पोटैटोस मैश करने हैं, आपने उसको कूल डाउन करना है। कभी भी किसी चीज़ का मिक्सचर बनाने लगे ना, आपने अपने पोटैटोस को कूल डाउन करना है, कभी गर्म गर्म फिलिंग नहीं आप ऐड करते अपने उसके अंदर। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैंने पहले लिया 1 कप, ठीक है, 1 कप मैंने पोटैटोस बॉईल लिए, और अब मैं डाल रही हूँ अनियन, चॉप्ड फॉर्म में है मेरे पास, 1/2 कप के करीब। ठीक है, 1/2 कप जी, 1/2 कप मैंने चॉप किया है इनको। ग्रीन कोरिएंडर, ठीक है, वो मेरे पास आप कह लें 1/4 कप के करीब है, ठीक है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। फिर मेरे पास है चॉप्ड फॉर्म में ग्रीन चिलीज जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मैंने उसको चॉप कर लिया था। अच्छा, ग्रीन चिलीज एट टाइम्स क्या होता है कि लोग उसको डी सीड कर देते हैं, जब डी सीड कर देते हैं तो उसका स्पाइस लेवल कम हो जाता है, और अगर आप बगैर थोड़े अगर स्पाइसी आपको चाहिए तो आप उसको सीड्स के साथ ही चॉप कर लें, तो दोनों ऑप्शन आपके पास होती हैं। देन मेरे पास है कैप्सिकम, सीड्स के साथ ज्यादा स्पाइसी, यस सीड्स के साथ ज्यादा स्पाइसी होगा, बच्चे हैं, बच्चों के घरों के लिए बनाना होता है, बनाना होता है, ठीक है। अगर आपने, आपको स्पाइसी नहीं पसंद है, आप उसको सीड्स रिमूव कर दें, ठीक है, सीड्स रिमूव करके उसको आप चॉप कर लें। ओके, तो मेरे पास कैप्सिकम है, ये है मेरा 1/2 कप, 1/2 कप इसकी क्वांटिटी है इसकी, और इसको भी मैंने चॉप फॉर्म में किया। देन ये मैक्सिमम कितने अफराद के लिए बन सकता है ये? जितना 5 to 6 easily आपके हो जाते हैं। अब ये मेरे पास कुछ लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ज्यादा खाना पसंद है। अच्छा, ये जो मैं मिक्सर बना रही हूँ ना, इस मिक्सर में ऐसा, यस ये कैरेट है मेरी चॉप्ड फॉर्म में। अब ये जो मिक्सर मैं बना रही हूँ ना, जरूरी नहीं है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा लग रही है, इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 1 कप के करीब, आप 1 कप के करीब, मतलब कितनी, 2 से 3 कैरेट? यस, 1 कैरेट अगर आप लार्ज कर रहे हैं, तो अगर आपके पास मीडियम साइज है तो 2 कैरेट। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि हम जब भी ये जो मिक्सर में बना रही हूँ ना, इस मिक्सर को आप ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर लगाओ, इसके आप कटलेट भी बना सकते हो, इसके अंदर आप कोई चिकन ऐड कर लें, ठीक है, कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें, आपके कटलेट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर अपनी ऐड करूँगी सीजनिंग। तो सीजनिंग में सबसे पहले मैं ऐड करी सॉल्ट, एज यूजुअल सॉल्ट, हमेशा जो आपको पसंद है, बिल्कुल। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टर्मेरिक पाउडर जो कि मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब, इसको नॉर्मली जो हल्दी है ये जी 1/2 टीस्पून, यस 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून कलर जो इसका अच्छा है इसका,
और थोड़ा फ्लेवर भी बड़ा मजे का फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा चिली पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी ऐड ओके ठीक है। देन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर ओके 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है मेरे पास। देन कोरिएंडर पाउडर ओके 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर पाउडर की जगह वैसे ही से डाल दिया जाए तो किसकी आप कोरिएंडर की बात कर रही हैं? आप क्रश फॉर्म में डाल सकते हैं, क्रश करके डालो तो उसका वो भी ज्यादा अच्छा टेक्सचर आता है उसमें। बट क्योंकि अब मैंने ब्रेड के अंदर लगाने तो ब्रेड के अंदर मुझे ना क्रश फॉर्म नहीं चाहिए, आप नॉर्मल जब घर में बनाए तो कर सकते हैं। पाउडर जो है वो बेस्ट है, वो हाँ बेस्ट है इस फॉर्म में। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करी क्यूमन पाउडर ओके 1 टीस्पून के करीब मैं क्यूमन पाउडर ऐड करी और अब मैं इसको क्या करूँगी अच्छे से और उसके लिए अच्छा है कि आप ग्लव्स पहन लें और उससे पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है, सफाई का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना कहते हैं, सफाई जो है तो वैसे भी निस्तमान है। बिल्कुल आपको वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि हाथों को सैनिटाइज कर लें आप वॉश करने के बाद, आप उसको अच्छे से वो हाथों को वॉश करके अपने यूज करें और ग्लव्स यूज करें, ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि हाइजीन सबसे पहले आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो कोशिश करें कि आप उस चीज को अपनाएं घर में, वेजिटेबल्स वगैरह बिल्कुल इनको मिक्स अच्छी तरह से, अच्छे से करना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे से एक मल्सिफाई हो जाए, मतलब सारी चीजें अलग अलग ना रहे ठीक है, क्योंकि इनका मिक्स होना जरूरी है। बिल्कुल हमेशा हम जब सिखाते भी हैं दादी और नानियां होती हैं वो कहती हैं ना कि हंडिया बनाते हुए भाई कम इसमें आ झांके जरा कम, और उतने ज़्यादा वैसे वो ट्राई भी कर रही होती है साथ साथ नमक मिर्च भी ट्राई कर रही होती है। बिल्कुल तो साथ साथ मैं इसकी थोड़ी, अब हमारा मिक्सर हो गया रेडी बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये पोटैटो का जो मिक्सर था मिक्सर है वो बिल्कुल तैयार है। मैं अपना जो बनाने लगी हूँ बैटर बनाने लगी हूँ जो बेसन रेसिपी का एक बार फिर नाम जरा बता दें नाज़रीन को। हम जो आज बनाने जा रहे हैं वो है ब्रेड पकौड़ा ठीक है, और ब्रेड पकौड़ा का हमने मिक्सर तैयार कर दिया है और अब जो हम तैयार करेंगे वो है आपका बैटर जो बेसन है। बेसन है अच्छा, अब और बेसन की कितनी क्वांटिटी है ये भी बता दीजिएगा। यस बेसन मैंने 2 कप लिया है ठीक है। अब बेसन के अंदर बेसन कितना लिया आपने? बेसन मैंने 2 कप लिया है। 2 कप लिया है ये। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ओके। बेकिंग सोडा मेरे पास 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा है ओके। क्यूमन है मेरे पास, जीरा, जीरा जिसे कहते हैं नॉर्मली 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल आपको पसंद है क्योंकि सॉल्ट मैंने उसमें भी ऐड किया था इसलिए बैलेंस करके। फिर उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अपना चिली पाउडर 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड किया और अब मैं इसके अंदर पानी साथ साथ ऐड करूँगी और इसको साथ साथ भी हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा ये बेसन का हम जो बना रहे हैं ना इसी के अंदर आप अगर चाहें तो अपना प्याज डाल दें, प्याज के पकौड़े बन जाते हैं आपके, आपके पालक के बन जाते हैं, आपके मिर्ची के बन जाते हैं और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे जितनी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखें इसका मिक्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि इसकी कोटिंग अच्छी हो सके, अच्छी हो जाए। चलें ये हमारा मिक्सर जो हमारा बेसन का वो है रेडी है, हमारा फिलिंग का मिक्सर भी तैयार है और ये कोटिंग के लिए जो है बेसन ये भी बिल्कुल तैयार है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम जो है हमारा ब्रेड का तो उसके लिए सबसे पहले जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया मैंने बता दूँ और बहुत ही स्पेशल ये आप कह सकते हैं ब्रेड पकौड़ा। और नॉर्मली तो हम पकौड़ा जो है वो खाते ही हैं भाई और वो अच्छे भी लगते हैं सबको, सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन ये है ब्रेड पकौड़ा। जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, हमारी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं और ख़ासतौर पर जो हमारे जो एक बनाने का जो एक तरीका होता है ख़ासतौर पर वो बताया जाता है आपको, तो ये कोशिश की जाती है कि ताकि आप अच्छी तरह से सीखें और उसको घर में आपको कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। तो अब क्या स्टार्ट करना होगा? अब ये है मेरे पास ब्रेड ठीक है। अब मैंने क्या किया है, आप कोई भी अपनी ब्रेड ले सकते हैं और कोई भी साइज हो सकता है ठीक है। ये मैंने स्मॉल साइज लिया। अब मैंने ब्रेड को रखा यहाँ पर और मेरे पास ये है कटर क्योंकि हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा और मैं इसको शेप जो दे रही हूँ सर्कल शेप दे रही हूँ ठीक है। कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं आप, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा अब मैंने क्या किया, इस कटर के साथ मैंने इसको कट कर लिया और मेरे पास ये क्या आगे गोल राउंड शेप आ गई। अच्छा यूजुअली अटेम्प्ट जब कभी हम घर में ब्रेड की कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं ना तो ये साइड
बड़ी वेस्ट जाती हैं, लोगों को पता नहीं होता इन साइट्स को क्या करें, इसको किस तरह लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, बिल्कुल इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, और जो कि बहुत मतलब जाहिर आपको फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी वे में यूटिलाइज करना चाहिए। तो आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, इसको टोस्ट करें, बेक करें, इसको पैन पे इसको मॉइस्चर उड़ा के आप इसको एज अ ब्रेड क्रम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने कटर से ये निकाल रही हूँ तो इसका मतलब है मैं इसको यूटिलाइज भी कर सकती हूँ, यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और मैं इसी तरह मैंने अपने सारे ये निकाल लेने हैं। तो क्या ब्रेड पकौड़ा में ये ब्रेड क्रम भी इस्तेमाल हो सकता है? अगर देखें हम पकौड़ा बना रहे हैं तो पकौड़ा की कोटिंग हम बेसन के साथ करें, अगर आपको पकौड़ा फ्लेवर नहीं चाहिए, मतलब आपको पकौड़ा की नहीं चाहिए, तो आप इसी तरह इसकी फिलिंग करके आप इसको क्रम्स की कोटिंग कर लें, एग लगाएं, क्रम्स लगाएं, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास क्रम फॉर्म में आ जाएगा। अब ये इसी तरह मैंने सारे निकाल लेने हैं, ठीक है, सारे मेरे निकल आए हैं, हम इसी तरह और करते हैं। तो अभी भी आपको थोड़ा आइडिया हुआ है कि हम अब करेंगे क्या इसके साथ? अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा आइडिया तो होना शुरू है, लेकिन वहाँ पर नाजरीन को बैठे पता नहीं आइडिया हो रहा है या नहीं हो रहा है उन्हें, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कोई मज़े की चीज़ बनने वाली है। जो पकौड़े आप नॉर्मली घर में बनाते हैं आप, मुझे लगता है उससे कुछ डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी डिफरेंट ऑब्वियसली होगा इसका, लेकिन खाने में मुझे लग रहा है डिफरेंट होने वाला है। कितने मेरे पास ब्रेड के पीसेस आ गए, आप इसको तो इसको आप ब्लेंडर के अंदर डाल के ब्लेंड करें, क्रम्स निकालें, उसको बेक कर लें, क्रम फॉर्म में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से, वो आपके पास फ्रेश ब्रेड क्रम्स आ जाते हैं। ओके, यस, फ्रेश ब्रेड क्रम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसको फिर आप अपनी किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करें, कोटिंग वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि उसको धूप में भी रखना चाहिए, कुछ उससे भी आपने मॉइस्चर उड़ाना होता, अगर आपने धूप में नहीं रखना, आप उसको आपने फ्रेश ब्रेड क्रम्स को किया है ब्लेंड, ठीक है, आपके पास क्रम्स आ गए, आप उसको बेक कर लो, उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, आप उसको पैन पे टॉस कर लें, उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा और वो क्रमी हो जाएंगे, थोड़ा उनका कलर चेंज हो जाएगा। मेरे पास ये है चटनी, ओके, क्योंकि मैंने पहले से प्रिपेयर की, पहले से। ये कौन सी वाली? ग्रीन ग्रीन चटनी। इसके अंदर मैंने कोरिएंडर, ओके, मिंट, लेमन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाल के इसको ब्लेंड कर लिया, और मेरे पास ये ग्रीन चटनी, अगर आप देख सकें, बिल्कुल ये इसका क्लोज अप दिखा दें इसका, ठीक है, ये ग्रीन चटनी तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो अपने कट किए थे इसको मैं हल्का सा फ्लैट करूँगी, ताकि इसमें जो फिलिंग है वो आसानी से हो जाए। ये देखिए हल्का सा इसको मैंने फ्लैट किया, फ्लैट किया। अब मैं मेरी जो फिलिंग मैंने तैयार की थी उससे पहले मैं ऐड करूंगी अपनी ग्रीन चटनी, मैंने बेस पे लगानी है। तो ये वो ज्यादा वो हो नहीं जाएगा बिल्कुल क्या? ग्रीन चटनी लगने से जाहिर बात इसमें पानी भी ऐड है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब हम इसको अब्सॉर्ब कर जाएगा, अब्सॉर्ब कर जाएगा, उसका फ्लेवर आएगा। हम जब इसके ऊपर ब्रेड की वो पकौड़ा की कोटिंग करेंगे ना, वो सबसे अच्छा तब उसके अंदर फ्लेवर आएगा, ओके, वो उसको बाइंड कर लेगा। अब जिस तरह मैंने ये लगा दी है ग्रीन चटनी, अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी अपना मिक्सचर, ओके, ठीक है, साथ साथ इसको हम ठीक है उसको सेट फिल करते जाएं, आप उसको अच्छे से स्प्रेड करें। अब इसको साथ साथ कवर भी करेंगे इसको? यस, हमने इसको कवर करना है। उसी तरह मैंने अपनी ये वाली ली, उसको हल्का सा मैंने रोल डाउन किया, ओके, और मेरे पास पानी के साथ आपने क्या करना है, इसके एजेस को, एजेस को सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट, यस, पानी के साथ आपने इसके एजेस को ज़रा वेट करते जाना है अपने हाथों के साथ, ओके, ताकि जब हम इसके ऊपर लगाएं ताकि सॉफ्टनेस हो जाए, बिल्कुल वो अच्छे से उसके साथ कंबाइन हो जाए, ओके। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसको साथ साथ बाइंड करूंगी, ओके, इसकी बाइंडिंग जो है जरूरी है ताकि उसमें से जो मिक्सचर है वो बिल्कुल बाहर निकलेगा। इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लूंगी, और मैंने क्या किया अच्छे से इसको बाइंड, उसके बाद फिर इसको उसमें उसकी कोटिंग करेंगे, फिर देन फ्राई करेंगे। मैं ऑयल डाल लेती हूँ तब तक, जैसे कि हमारा ऑयल जब तक हीट अप होगा हम फिर अपने बाकी भी बना लेंगे। और हम यूज कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल, और कश्मीर कुकिंग ऑयल की मैं आपको खासियत बता देती हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, और खासतौर पर जो अफराद डाइट कॉन्शियस हैं और वो इस ऑयल का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मिलावट नहीं होती है, 100% ये प्योर ऑर्गेनिक ऑयल है ये, और इसमें विटामिन भरपूर होते हैं, ए और डी 3 विटामिन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें हमारे 3 से 4 ही तैयार हो गए, इसको हम अच्छे से अब इसकी फिलिंग करेंगे इसकी, फिर इसके साथ कोटिंग करेंगे इसकी, yes. जो हमने बेसन और इसमें क्या ऐड किया था वो बता दें। हमने बेसन के अंदर ऐड किया था चिली पाउडर, जीरा ऐड किया था, हमने बेकिंग सोडा ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था,
और वाटर एज इसकी कंसिस्टेंसी। पेस्ट बना के हमने रख दिया है तो अब इसमें इसकी कोटिंग होगी, देन इसको हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल, अब मेरे अपने जितने भी बनाए थे ये मैं इसके अंदर डाल के इसको कोट करूँगी अच्छे से कोट किया, कोई एज रह ना जाए। अब इसको हम साथ फ्राई करेंगे। बिल्कुल, हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा और काफ़ी मज़े का यमी लग रहा है मुझे तो। इसी तरह हम बाकी भी बिल्कुल हैं। अब इसी तरह से आप जो हमने बनाए हैं जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है उसको आसानी से आप उसको आप करें कोटिंग, फिर कोटिंग के बाद आप उसको आसानी से फ्राई करें। और अगर आपका जो बैटर बच जाए उसको आप बना सकते हैं, इसके अंदर आलू डालें, इसकी वजह से पालक डालें, कुछ भी डालें, बैटर को वेस्ट नहीं करना। बैंगन वगैरह जो है वो फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब भी आपको कोटिंग वाली चीज़ डालें ना उसको कभी भी आपने डायरेक्ट नहीं करना, उसको हमेशा थोड़ा सा टाइम देना है, टाइमलेस वो जी थोड़ा सा हो जाए, अपने स्टिफ फॉर्म में आ जाए। आप रिंग बनाएं, मैं ये देखती हूं, ठीक है? आप बस इसके नीचे से वो देखती जाए, ठीक है, इसको रिमूव करें। अच्छा, अब जो हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं वो ड्रिंक है हमारी मिंट मार्गरेटा। मिंट मार्गरेटा बहुत ही ईजी क्विक ड्रिंक है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। सबसे पहले मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ मेरी स्प्राइट, ठीक है? ये स्प्राइट मैंने 1 कप ली है जी, ओके। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपनी आइस ऐड करूँगी कि मिंट आइस ही ना हो तो अच्छी नहीं लगती है। उसके अंदर मेरे आइस क्यूब्स हैं मेरे पास, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जितना चिल आपको पसंद है आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। देन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपनी शुगर, ओके, 1 टेबल स्पून के करीब। तो ये एक शुगर एक फर्ड के लिए इस्तेमाल होगा, जस्ट एक ग्लास? यस, एक ग्लास, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इसको हम अच्छे से ज़रा मिक्स कर लेते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है तो कुछ बवार है, उसमें इतने ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गले भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, इसलिए मैंने उसको चिल फॉर्म में ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे से बंद करके हम इसको अच्छे से ब्लेंड दे देंगे। चलें जी, हमारी मिंट मार्गरेटा बिल्कुल अब तैयार है और ब्रेड पकौड़ा भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल लाइट ब्राउन सा या फिर डार्क ब्राउन सा इसका कलर होना चाहिए, ये लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए, लाइट गोल्डन पर होना शुरू हो गया। ये बंद कर दूं मैं इसका फ्लेम, थोड़ी सी आइस और ऐड कर देती हूँ, जरा थोड़ा आइस ही आ जाएगा उसके अंदर। आइस ऐड की है हमने, थोड़े से मिंट लीव्स रखती हैं, ठीक है, ओके। देन अब हमारे ड्रिंक हमारी तैयार है और ब्रेड पकौड़ा भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आप देख लें लाइट गोल्डन कलर उसका आ चुका है और बहुत ही अच्छे, ये बहुत ही प्यारा और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अच्छा, बटर पेपर इसलिए कि जो एक्सेस ऑयल है वो आपका निकल जाए, क्योंकि रोज़ा रखा होता है तो कभी भी ज़्यादा ऑयली जो चीज़ें, वैसे भी कश्मीर कुकिंग ऑयल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें इसका इस्तेमाल करने से आपको हल्कापन फील होता है क्योंकि इसमें विटामिन भी शामिल होते हैं, बिल्कुल प्योर है ये और इसमें ऑर्गेनिक ऑयल है, इसमें किसी किस्म की मिलावट जो है वो शामिल नहीं है। हमारी दोनों रेसिपीज तैयार हैं, बिल्कुल अब ज़रूरत है हमें प्रेजेंटेशन की। हम इसकी अब प्लेटिंग करेंगे, तो प्लेटिंग में सबसे पहले तो जो मैंने अपनी चटनी बनाई हुई थी ना उसको मैं करूँगी इसके अंदर डालूंगी, ठीक है, ताकि किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी इसलिए ताकि थोड़ी स्पाइसी, अगर किसी को स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो उसको यूज़ कर सकता है, ओके। अब मैंने क्या किया, चटनी को मैं यहाँ पे रखूँगी, ठीक है, मेरे ब्रेड पकौड़ास आ जाएंगे, ठीक है, मेरे ब्रेड पकौड़ास रेडी हैं। जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया ना, मैं बता दूँ हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा और साथ ड्रिंक भी हमारी तैयार है, दोनों रेसिपीज हमारी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और अब हम कर रहे हैं इसकी गार्निशिंग, क्योंकि गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन जो है
वो डिश को खूबसूरत बनाने के लिए और मजेदार बनाने के लिए प्रेजेंटेशन हमें करनी चाहिए। इसमें हम लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमन आपको पता है बहुत जरूरी है क्योंकि हैवी हो जाता है थोड़ा सा, तो आप इसमें लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो ग्रीन चिली चटनी जो इस्तेमाल की है उसमें भी लेमन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप डाइजेस्ट करने के लिए। अब जल्दी से क्विक से हमें नायाब इसकी रेसिपी रिपीट कर दें। अच्छा, रेसिपी जो हमने आज बनाई थी ब्रेड पकौड़ा बनाया था। आलू के मिक्सर के अंदर हमने ऐड किया है अपने अपने कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियन और उसकी सीजनिंग ऐड की है। उसका मिक्सर हमने तैयार करके साइड पे कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपना जो बेसन का बैटर है वो बनाया है। बेसन के अंदर हमने ऐड किया चिली पाउडर, हमने बेकिंग सोडा, सॉल्ट और क्यूमिन उसको ऐड करके हमने उसको साइड पे स्टिफ करके साइड पे रख लिया। उसको हमने 5 to 6 मिनट रेस्ट दिया। फिर उसके बाद हमने अपने ब्रेड के शेप कट किए, उसके अंदर अपनी चटनी लगाई है, मिक्सचर लगाया, उसको अच्छे से सील किया है। देन हमने ब्रेड के अंदर डिप करके उसको डीप फ्राई किया है। ठीक है, शैलो फ्राई भी आप कर सकते हैं, लाइट एंड गोल्डन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, ब्रेड पकौड़ा, और वाकई बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसको जरूर घर में ट्राई कीजिएगा और आपको देना होगा हमें फीडबैक भी। तो अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाजत का, और इससे पहले पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ हैं जी कश्मीर कुकिंग ऑयल है, मॉइस गुड है, गौतम जौहर टाउन का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, और इसके साथ साथ हमारी शेफ नायाब का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, और सब रोसो भी हमारे साथ है, उनका भी, उनके ताबुन का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे कल एक नए दिन, एक नई एपिसोड, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।